तो कल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में केविन फैगी ने एमसीयू फेज 5 में आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स को रिवील किया, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थे। और इस साल आने वाली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ एमसीयू फेज 4 का एंड होगा, और एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया के साथ एमसीयू फेज 5 की शुरुआत होने वाली है। अब फेज 4 कुछ खास नहीं था, ये हमें एडमिट करना चाहिए। हाँ, इसके कुछ प्रोजेक्ट्स लाइक मून नाइट, शैंग-ची, लोकी ने ऑडियंस का दिल जीता, पर ऑल ओवर फेज 4 हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। और जैसे हमें फेज 4 में मल्टीवर्स एरा के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, तो फेज 5 एक ब्रेक होने वाला है मल्टीवर्स वाले एंगल से, और फेज 6 फिर से मल्टीवर्स का दरवाजा खोलेगा। वैसे दो नए एवेंजर्स मूवी भी आने वाली है, उनके बारे में भी जानेंगे वीडियो के एंड में, इसलिए मेक श्योर वीडियो के एंड तक देखना नहीं भूलना। तो फेज 5 शुरू होने वाला है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया से, जहां हमें ही हू रिमेंस का एक और वर्जन देखने को मिलेगा, और क्वांटम रियल्म को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 17 फरवरी 2023 को। सो देखो, हमें पता है कि एमसीयू में कैंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और ये मूवी में हमें कैंग का पहला अपीयरेंस देखने को मिलेगा। लोकी में ही हू रिमेंस को देखने के बाद बात करें नेक्स्ट प्रोजेक्ट सीक्रेट इन्वेजन की, तो एक लिमिटेड सीरीज होने वाली है, जहां पे हम न्यूक फ्यूरी, मारिया हिल और शील्ड या स्वॉर्ड को स्कल्स के साथ इन्वॉल्व होते देखेंगे। एक्चुअली कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन एक अच्छा खासा इवेंट है, जहां स्कल्स पूरे अर्थ के सुपर हीरोज बन के फिर रहे होते हैं, और किसी का कोई भरोसा नहीं होता कि ये स्क्रल है या ह्यूमन। और कैप्टन मार्वल में हम टैलोस नाम के स्क्रल से ऑलरेडी मिल चुके हैं, सो ये कैप्टन मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन से शुरू होने वाला है, और स्प्रिंग 2023 में रिलीज होगी, मतलब अराउंड मार्च अप्रैल में हमें ये देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस पे। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलने वाली है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जहां डायरेक्टर जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि इस मूवी में हमें रॉकेट की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी, और साथ ही एडम वॉरलॉक भी दिखने वाला है हमें इस मूवी में। प्लस ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है एमसीयू का जिसपे मैं 100% श्योर हूँ कि ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिलीज होने वाली है 5 मई 2023 को। इसके बाद 28 जुलाई 2023 को हमें कैप्टन मार्वल 2 यानी द मार्वल्स देखने को मिलने वाली है, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन से होने वाला है, जहां कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल ने पोजीशन स्वॉप की थी। और इस मूवी में हमें कमाला के म्यूटेंट ओरिजिन्स के बारे में और पता चलेगा। इसके बाद हमें समर 2023 में दो डिज्नी प्लस सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें पहला तो लोकी सीजन 2 है, इसके लिए मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और दूसरा एको, जो कि हमें हॉककाई सीरीज में देखने को मिली थी। और एको सीरीज में हमें डेयरडेविल भी देखने को मिलने वाला है, और बस डेयरडेविल के लिए मैं इस सीरीज को देखूंगा। मुझे समझ नहीं आता, जो स्टोरीज फैंस को चाहिए वो तो ये ला नहीं रहे, और जो नहीं चाहिए उस पे बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी ने एको के कैरेक्टर पे एक सीरीज मांगी होगी या एक्सपेक्ट भी की होगी। भाई, इसके बगैर भी और भी कैरेक्टर्स है जो अपनी स्टैंड अलोन मूवीज या सीरीज रिजर्व करते हैं, लाइक गोस्ट राइडर, उस पे बनाओ, नहीं हमें तो एको पे ही बनाना है। इसके बाद हमें नवंबर 3, 2023 में ब्लेड पे एक स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिलेगी, और महर्षाला अली को हम ऑलरेडी इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं, जहां वो ब्लैक नाइट से बात कर रहा है, और महर्षाला अली जो कि एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्टर है, इस रोल को प्ले करने वाले है। और हां, एंटोनी स्टर जो कि होमलैंडर के रोल को प्ले करते हैं द बॉयज सीरीज में, शायद से हमें एज ड्रैक्यूला देखने को मिलने वाला है इस मूवी में, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ये बस एक रूमर है। और पर्सनली मैं चाहता हूँ कि ब्लेड आर रेटेड हो, क्योंकि तभी मजा आएगा, और ये मूवी एमसीयू में वैम्पायर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली है। सो दिस इज गोना बी अ ब्लास्ट। अगर आपने प्रीवियस ब्लेड मूवीज देखी होंगी, आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद ऑटम 2023 में हम आयरन हॉट डिज्नी प्लस सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें हमें रीरी विलियम्स के कैरेक्टर को आयरन मैन का सूट बनाते देखेंगे। और रिसेंट ब्लैक पैंथर 2 के ट्रेलर में हमें रीरी विलियम्स के कुछ सीन्स दिखाए गए थे। वैसे ब्लैक पैंथर 2 के ट्रेलर ने बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर दिया है, और वैसे भी हमें इस मूवी में नेमोर द सबमरीनर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हम एमसीयू के मैजिकल डिपार्टमेंट पे एक नजर मार के आते हैं, जहां हमें 2023 के विंटर में अगाथा पे एक डिज्नी प्लस सीरीज अगाथा कोन ऑफ केओस नाम से देखने को मिलेगी। इससे पहले भी ये सीरीज कन्फर्म्ड थी, बट इस बार ऑफिशियली इसके नाम को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और वांडा विजन के बाद इस सीरीज में दिखाई जाएगी कि उसके बाद अगाथा के साथ क्या हुआ, और मैजिक और विचेस के लोर को ये सीरीज और डीप करने वाली है, और ऑब्वियसली इसमें हमें बहुत सारा मैजिक देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका 4 स्टारिंग सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका देखने को मिलने वाली है, जिसका ऑफिशियल नाम कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और रिलीज होने वाली है मई 3, 2024 में। अभी कंफर्म नहीं है कि क्या इसमें बग्गी बार्नस भी दिखेगा या नहीं, पर ये सैम विल्सन की पहली सोलो कैप्टन अमेरिका मूवी होने वाली है, जहां वो अब कैप के मेंटल को आगे लेके जाएगा। इसके बाद एक ऐसी सीरीज आने वाली है जिसके लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो है डेयरडेविल
मार्वल रिबॉर्न डिज्नी प्लस सीरीज, जिसमें हमें चार्ली कॉक्स का डेयर डेविल देखने को मिलने वाला है। अब क्या है, सीरीज आर रेटेड होगी या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। बट फाइनली एमसीयू कुछ तो ऐसा दे रहा है जो फैंस डिमांड कर रहे हैं। और इस सीरीज फ्रैंक मिलर बॉर्न अगेन कॉमिक सीरीज पे बेस्ड होगी और स्प्रिंग ऑफ 2024 में रिलीज होने वाली है डिज्नी प्लस पे। एंड गेस व्हाट, ये सीरीज 18 एपिसोड्स की होने वाली है। यस, 18 एपिसोड्स की। और इसके बाद जुलाई 26, 2024 में हमें थंडरबोल्ट्स नाम की एक मूवी भी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें मार्वल के कुछ एंटी हीरोज देखने को मिलेंगे, लाइक फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। और हॉकाई में हमने देखा कि कैसे वैलेंटिना फोंटेन नाम की एक औरत यूएस एजेंट और यलीना को रिक्रूट करते एक टीम है। सो एक्चुअली वो मार्वल की एक टाइप का सुसाइड स्क्वाड बना रही है, जिसे कि मार्वल कॉमिक्स में थंडरबोल्ट्स के नाम से जाना जाता है। और थंडरबोल्ट्स का एक मेन मेंबर रेड हल्क भी है, बट अभी नहीं पता कि रेड हल्क हमें देखने को मिलेगा या नहीं। मे बी शी हल्क सीरीज में रेड हल्क का ओरिजिन या कुछ दिखाया जाए, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, रेड हल्क भी हमें इस मूवी में दिखने वाला है। सो यस, हमें एक फुल मूवी देखने को मिलने वाली है इन मिसफिट हीरोज पे। तो ये तो थे फेज 5 के सारे प्रोजेक्ट्स जो कि हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अभी के लिए हमारे पास फेज 6 की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर फेज 6 की 3 मूवीज लीक हो गई थी, जिसमें सबसे पहले हमें फैंटास्टिक 4 देखने को मिलेगी, जो कि रिलीज होगी नवंबर 8, 2024 में। और मार्वल अभी फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग कर रहा है, जिसके लिए बहुत सारे ए लिस्ट एक्टर्स को ध्यान में रखा जा रहा है। बट इट्स हाईली अनलाइकली कि हमें एमसीयू की मेन यूनिवर्स में भी जॉन क्रेसेंस्की ही मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले करते दिखेंगे, क्योंकि मार्वल एक यंग 25-30 की एज में एक्टर्स को ढूंढ रहा है, क्योंकि फेज 6 के बाद फैंटास्टिक 4 ही एमसीयू का फेज होने वाली है। इसलिए वो एक यंग एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं जो कि कम से कम 5-8 साल इस कैरेक्टर को प्ले कर पाए। और उसके बाद दो एवेंजर्स मूवी, पहले तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी जो कि मई 2, 2025 को रिलीज होने वाली है, और उसके बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो कि रिलीज होगी नवंबर 7, 2025 को। अब देखो, हम सबको पता है कि कैंग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग विलन आफ्टर थानोस। सो आई थिंक एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हमें कैंग द कॉन्करर वाला वेरिएंट दिखने को मिलेगा एमसीयू में, मतलब ही रिमेंस का सबसे इवल वर्जन ऑफ कैंग, जो कि नेक्स्ट लेवल थ्रेट होने वाला है, ना कि सिर्फ एवेंजर्स के लिए बल्कि पूरी मल्टीवर्स के लिए। और इसके बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स की सेम स्टोरी सीक्रेट वॉर्स को फॉलो करेगी, क्योंकि तब तक एमसीयू में फैंटास्टिक 4 के साथ साथ डॉक्टर डूम को भी इंट्रोड्यूस किया गया होगा फैंटास्टिक 4 स्टैंड अलोन मूवी में। तो एज ए मार्वल फैन मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए। बट एक बात जो हमें यहाँ समझनी है वो है कि फेज 5 एक बिल्डिंग ब्लॉक होने वाला है बिग इवेंट्स के लिए, इसलिए हमें फेज 5 में कुछ बड़ी मूवीज नहीं देखने को मिलेगी। बट फेज 6 में स्टेक्स हाई होने वाले हैं, जहाँ पे मल्टीवर्स लेवल पे कांड होते दिखेंगे। आप समझ लो कि फेज 6 एग्जैक्टली फेज 3 के लेवल का होने वाला है, जहाँ पर पूरा मल्टीवर्स इन्वॉल्व होने वाला है। सो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो फेज 5 और फेज 6 में देखने के लिए। और हाँ, डीसी की नई एनिमेटेड मूवीज और कुछ सीरीज उन्होंने अनाउंस की है, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसी में हम मार्वल के एनिमेटेड मूवीज का भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। टिल देन, गुड बाय। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that